सबसे पहले तो मैं शुएब साहब का बहुत ज़्यादा, चेयरमैन साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आज वो पाकिस्तान की गर्मी के एक ख़ास गर्मी के कैसे ख़त्म में तशरीफ़ ले गए हैं कि जहाँ यहाँ पर जो है वो या गर्मी होती है या सख्त गर्मी होती है, तो और बड़ा लंबा सफ़र तय करके आए हैं। कराची से इस्लामाबाद पहुँचे और इस्लामाबाद से आज सुबह बाय रोड यहाँ पहुँचे। हमारा तो रोज़ क्या चलता रहता है, लेकिन इन्होंने जो सफ़र किया, और ख़ासकर मैं अभी जिस तरह साजिद भाई ने बात की, इस तकाफुल जोन का जो आज हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं, पहले तकाफुल जोन का, इनके भी क्रेडिट मैं शुएब साहब को दूंगा, क्योंकि मैंने इनके साथ एक दो मीटिंग्स कराची में की, और इस दौरान कोई चार पांच दफ़ा जब भी इस्लामाबाद है तो हमने इस जोन के मुतालिक हमेशा बैठकर जो है वो मीटिंग करते रहे। और इन्होंने कहा था कि मैं कमिटमेंट की थी कि मैं तकाफुल जोन की जो है वो इफ्तिताह करके जो है इसी हुकूमत में इंशाल्लाह जो है वो मैं करूँगा, और वो जो है वो आज जो है वो करके जा रहे हैं। दूसरी सबसे बेहतरीन चीज़, क्योंकि जब भी कोई ऐसी हुकूमत आती है और हमेशा उन्होंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को टारगेट किया होता है कि हम इसको प्राइवेटाइज करें किसी तरीके से, और जब हम जाते हैं इनके साथ बैठते हैं, जो इन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी जब ये शुरू में आए, थोड़े मुश्किलात थे, लेकिन आज वो मुश्किलात जो है बहुत हद तक जो है वो दूर हो गए, बल्कि अपनी टीम के लिए जो इन्होंने जो है काम किया, अपनी टीम के जो तनख्वाहों की उसमें या बाकी सिस्टम में, और साथ साथ इसको प्रॉफिटेबल बनाया। ये पाकिस्तान के चंद प्रॉफिटेबल इदारों में से एक इदारा है, जिसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब को और उनकी पूरे पाकिस्तान की टीम को जाते हैं, जिन्होंने इसको जो हमेशा पॉजिटिव लिया। आज क्योंकि यहाँ पर बेनज़ीर के सपोर्ट प्रोग्राम की टीम भी बैठी है, चेयरमैन साहब हमारी एक हमने एक टॉक शुरू किए थे और उसको कई काफ़ी हद तक हमने उसको आखिरी मराहिल तक पहुंचा दिए। चेयरमैन साहब की इस पे बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारी मेहरबानी है। हम अभी इंशाल्लाह बहुत चंद दिनों में या इस महीने के एंड में हमारी हुकूमत तो नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ हम छोड़ के जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी बेनज़ीर का सपोर्ट प्रोग्राम इसको आगे परसू करेंगे। हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, वो जितनी भी ख़वातीन हैं पूरे पाकिस्तान में, इस वक्त 90 लाख बेनिफिशरीज़ हैं, वो हम एक जॉइंट वेंचर या एक एग्रीमेंट स्टेट लाइफ के साथ करके जा रहे हैं, क्योंकि तमाम कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में किसी न किसी मर्ज का इलाज फ्री होता है। अगर आप दिल के अमराज का कहें, कहीं ना कहीं आप सिंध में चले जाएँ, पंजाब में कहीं चले जाएँ, आपका दिल के अमराज का इलाज हो सकता है। आप अगर SIUT या NACVD सिंध में जाएं तो गुर्दों का भी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट भी होते हैं, लेकिन एक चीज़ की बड़ी कमी थी, कैंसर के इलाज की। तो चेयरमैन साहब ये एक हमारे लिए एक प्रपोज़ल लेके आए, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारा ये एग्रीमेंट होने जा रहा है कि हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं ख़वातीन, खुदा ना खास्ता अगर वो कैंसर की मर्ज़ में मुबतला होंगी, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है उनका फ्री इलाज जो है वो करने के लिए जा रही है, जो है वो बीमारी उसका वो हो रहा है। और चेयरमैन साहब, इस डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जो है तकरीबन 1,65,000 बेनिफिशरीज हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, और जो भी सर्वे है तो मैं समझता हूँ कि गालिबन 2 लाख टच करेगी। 90 लाख हमारे बेनिफिशरीज पूरे पाकिस्तान में है, जो कि इस डायनामिक सर्वे के बाद 1 करोड़ तक मेरे ख्याल में उसको वो टच करेंगे। और यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो है वो टीम भी बैठी हुई है, मैं भी चेयरमैन साहब को बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम देखेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दरमियान जो है ये एग्रीमेंट होने के लिए जो है हो जाएगा। लिहाजा हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो पहले हमने कहा था कि जो ट्रांजिशन हो रही थी पैसों की उसमें मुश्किल थी, अभी हमने 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इंशाल्लाह महीने दो में पूरे पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा। 4 बैंक्स हैं और बाकी बैंक भी बढ़ रहे हैं, जो भी हमारे
स्टेट बैंक के अंडर बैंक आते हैं, रजिस्टर्ड बैंक हैं, हमारे जो बेनिफिशरीज हैं पाकिस्तान में 90 लाख बेनिफिशरीज हैं, किसी भी बैंक में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अकाउंट खोल सकते हैं। और डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए उनके अकाउंट में वो पैसे शिफ्ट करेंगे ताकि मिडल मैन वाला किरदार ख़त्म हो जाए। उनको चेकबुक भी मिलेगी, उनको ATM कार्ड भी मिलेगा, उनकी मर्ज़ी है कि वो चेकबुक के ज़रिए या ATM कार्ड के ज़रिए पैसे निकालें, उसको बैंक अकाउंट को वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने बाकी बैंकिंग के लिए। तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं वो है। आज हम एक और भी हमारे यहाँ पे जो है दफातर जो हमारे यहाँ से ख़त्म हो गए थे माजी की हुकूमतों में, PTV का, PID का, APP का, आज हम PID के ऑफिस भी जा रहे हैं, उसका भी यहाँ इफ्तिताह करने जा रहे हैं, उनका फुल फ्लैश फंक्शनल ऑफिस हो चुका है। तो हमारी इस पूरे शॉर्ट टाइम में पूरी कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे दफातर हैं, हमारे जो हेडक्वार्टर हैं यहाँ पर जो है उसके खोला जाए। CPAC के रोड की वजह से अब हमारा सफ़र जो है इस्लामाबाद के या बाकी शहरों का हमारा बहुत नज़दीक हो चुका है, हम पहुंच सकते हैं। लिहाजा इन्हीं गुजारिशात के साथ, क्योंकि गर्मी भी है और चेयरमैन साहब ने वापस इस्लामाबाद भी जाना है, आपने एक शर्त रखी है, शर्त मैं भी फिर रखूँगा, मैं इंश्योरेंस डेफिनेटली कराऊँगा, लेकिन अगर आप हमें हेल्थ जो है जोन देंगे तो मैं भी इंश्योरेंस अपनी करा लूँगा। तो जो है अदले का बदला होता है ना, आप हमारी इंश्योरेंस करा दें तो। और ये बड़ी अच्छी बात है कि चेयरमैन साहब ने जिस तरह बयान किया कि यहाँ पर जो है इस जोन से, तकाफुल जोन से, ये पूरे पाकिस्तान में पहला एक जोन जो खोल रहा है, और इससे जो है इस इलाके में जॉब्स आएंगी, जॉब्स आएंगी तो इसी इलाके के लोग, इसी खिते के लोग, इसी जोन के लोग अपॉइंट होंगे, इसी सूबे के लोग अपॉइंट होंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, एक पॉजिटिव चीज़ है मैं समझता हूँ। और इसका जो है दोबारा हम चेयरमैन साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है, उनकी टीम का। हमारा पहले 2008 में जो हमारी हुकूमत थी, हमने यहाँ जोन के लिए कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो सका, फिर ये जो है कोहाट में खुल गया। तो चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि अब जोन के लड़ते हैं, कोई और जोन ले लें ताकि हम इस लड़ाई में जोन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं और इसमें हुकूमत भी ख़त्म हो जाए तो कुछ ले लें। तो हमने कहा जो कुछ हासिल हो सकती है वो ले लें, बाकी के लिए हम कोशिश करें। तो मैं आखिर में दोबारा चेयरमैन साहब का, उनकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने इस